नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आप देख रहे हैं मैंने बोर्ड पर आज कुछ लिखा हुआ है पीछे, और आपको लग रहा होगा कि ये क्या टेबल सी मैंने बनाई हुई है। तो ये कोई टेबल नहीं बनाई है मैंने, आपको मैंने एक बुक दिखाई थी जो मैंने लिखी थी, बुक जिसका नाम है भारतीय कला एवं कलाकार। तो ये बुक मैंने आपके लिए लिखी थी, इस समय आप लोगों का एग्जाम है और उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ मैंने बताया था 30 से अबव इसमें आर्टिस्ट हैं और ग्रुप भी हैं, कलाकार ग्रुप जितने हैं आपके भारतीय, उसमें यूपी टीजीटी पीजीटी में आते हैं। तो उसमें ये मिस्टेक हुई है इस बार थोड़ा जल्दीबाजी में, इसमें कुछ आंसर लिखने से रह गए हैं, ऑप्शन दिए आंसर लिखने से रह गए हैं। तो उन आंसर की मैंने लिस्ट बना दी है, ये पेज नंबर है, इस पेज नंबर पे ये क्वेश्चन नंबर है और इस क्वेश्चन नंबर का ये आंसर होगा। तो आप लोग सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पर ये मिस्टेक है, उसको अपने जो बुक में आप लोगों ने बुक परचेस की है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जहाँ आपने बुक परचेस की है अमेजोन के थ्रू की है, मुझसे थ्रू मेरे थ्रू की है, आप उसमें ये ऑप्शन ऐड कर लें, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको देखकर आप ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी फिर। ये मिस्टेक थी वहां पर, ये इनके आंसर नहीं लिखे हैं तो इनको आंसर क्लियर कर लें। अब देखिएगा, इसके बाद मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों की ही डिमांड पर। आप लोगों की डिमांड थी, किसी ने बोला था कि मैं गुलाम मोहम्मद शेख को पढ़ाऊं, तो आज मैं आप लोगों के लिए गुलाम मोहम्मद शेख ही लेकर आई हूँ। आज आप गुलाम मोहम्मद शेख के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपकी जो भी डिमांड होगी आप बताएं, आप कौन से आर्टिस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो नेक्स्ट डे मैं उन्हीं आर्टिस्ट के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। और सबसे जरूरी बात है कि मैं चाहती हूँ कि आप आर्टिस्ट ना पढ़ा के, आपको आज मैं आपको गुलाम मोहम्मद शेख पढ़ा दूंगी, इसके बाद मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ ग्रुप, ठीक है। आज आप देखेंगे गुलाम मोहम्मद शेख, GM शेख के नाम से इनको जाना जाता है, गुलाम मोहम्मद शेख को, ठीक है। अब देखिएगा, इनका जन्म हुआ था 16 फरवरी 1937 ईस्वी को, जन 16 फरवरी 1937 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अब देखेंगे किस स्थान पर हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, गुजरात गुजरात में सुरेंद्र नगर में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रसिद्धि देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय चित्रकार, लेखक और कला समालोचक, ये क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार, लेखक और कला समालोचक। ठीक, ये इनकी प्रसिद्धि थी इस रूप में। अब देखिएगा, इनकी कला शिक्षा सबसे पहले ललित कला संकाय बड़ोदरा में हुई थी, कला शिक्षा ललित कला संकाय बड़ौदा। ठीक, अब देखिएगा दूसरी बात, ये कला शिक्षक रहे थे ललित कला संकाय के यहीं पर, तो ये आप ऐसे ही याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप कि इनकी प्रथम एकल प्रदर्शनी लगी थी जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में, ठीक है। इनके चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में लगी थी, कब लगी थी? 1960 ईस्वी में, तो वो भी यहां पर लिख लीजिएगा, अब देखिएगा आगे। ये विजिटिंग आर्टिस्ट भी रहे थे शिकागो कला संस्थान के, विजिटिंग आर्टिस्ट शिकागो कला संस्थान के,
विजिटिंग आर्टिस्ट भी थे। अब देखिएगा दूसरी चीज इनके बारे में आती है, क्योंकि ये शिक्षक लेखक कवि भी थे, वर्तमान में ये कहाँ कार्यरत हैं? वर्तमान में ये जो कार्यरत हैं गुलाम मोहम्मद शेख, तो ये आप देखेंगे मैप्पा मुंडी, दुनिया मध्य एशिया यूरोपीय का नक्शा, मैप्पा मुंडी, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। मैप्पा मुंडी पर कार्यरत हैं, ठीक है, श्रृंखला है उस पर ये कार्यरत है। अब इनके देख लेते हैं कुछ पुरस्कार, इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। इनके पुरस्कारों के बारे में जानकारी देख लेते हैं। देखिएगा इनको पद्मश्री मिला था 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में इनको पद्मश्री दिया गया था, और राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था इनको दिल्ली का 1962 ईस्वी में। राष्ट्रीय पुरस्कार 1962 ईस्वी में, ठीक। अब देखिएगा आगे इनको कालिदास सम्मान मिला था 2002 में, कालिदास सम्मान 2002 में दिया गया था। इसके बाद इनको पद्म भूषण दिया गया था 2014 में, 2014 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। स्थापित गुरु, तो ये 1890 के संस्थापक रहे थे, ग्रुप के, तो ये तो मैं आपको ग्रुप जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसी के साथ साथ लिखा दूंगी, ठीक है। अब देखिएगा इनकी गद्य श्रृंखला थी घर जतन, बाकी इनके चित्र मैं लिखा देती हूँ। चित्रों को देखिए, इनका प्रसिद्ध चित्र था बोलती सड़क, स्पीकिंग स्ट्रीट, बोलती सड़क इनका चित्र था, शायद धुंधला दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा एक था शहर बिकाऊ, एक चित्र था इनका, शहर बिकाऊ, ये इनका एक चित्र था बोलती सड़क। अब देखिए इनसे एक प्रश्न आता है, इन्होंने कला पत्रिका का संपादन किया था वृश्चिक, वृश्चिक कला पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, ठीक है। थोड़ा सा विलर हो गया आज, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अब देखिएगा वैसे आपको मैंने बता ही दिया है सब कुछ बोलकर, आगे में अगर कोई ग्रुप, कोई आर्टिस्ट आपको पढ़ना है तो आप प्लीज कमेंट पे बताएं, और अगर मैं आगे वैसे ग्रुप पढ़ाना चाहती हूँ मेरा जो है पढ़ाने का आपकी इस नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ग्रुप करा दूँ, तो अगर आप ग्रुप पढ़ना चाहते हैं तो ग्रुप के लिए बोलिएगा, और अगर आप कोई आर्टिस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आर्टिस्ट बताइएगा कौन से आर्टिस्ट आप पढ़ना चाहते हैं, मैं उन्हीं को तैयार कराऊंगी आगे आपके, ठीक है। और आपके डाउनलोड होने वाले हो चुके हैं आपके एडमिट कार्ड जो है, तो आप सब लोग अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उस हिसाब से फिर अपनी तैयारी और जाने की तैयारी भी करें, दूर है तो दूर जाने की तैयारी देखें अपनी, ठीक है। और पढ़ते रहें, बहुत ध्यान से पढ़ें, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। चलिए धन्यवाद।